हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं कुछ, सुबह नहीं एक्चुअली दिन हो रहा है, दिन के बज रहे हैं कुछ 2 और हम जाने लगे हैं आज सैलून। मुझे स्मूथनिंग करानी थी। एज यू ऑल नो व्हाट इज स्मूथनिंग, जिसको नहीं पता है उसको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाइल ड्राइविंग। पहले चलते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। जिस जिसको नहीं पता स्मूथनिंग क्या है, स्मूथनिंग इज अ प्रोसेस वेयर दे ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ योर हेयर। लाइक मेरे बहुत ही ज्यादा फ्रीजी और रफ हेयर है, तो स्ट्रेटनिंग का कॉन्सेप्ट आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा बिकॉज योर हेयर फील स्ट्रेट ऑल द टाइम। तो आपको स्ट्रेटनिंग का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली आउट फ्रॉम योर लाइफ और आपके बाल एकदम स्ट्रेट रहेंगे फॉर लाइक 6 months दे से, बट इन माई केस चल जाते हैं मेरे अराउंड 1.5 years। ओके, तो मैं आज जा रही हूँ और यार मैंने बहुत अच्छा रिव्यू सुना है इस सैलून के बारे में ना, इट्स नोन एज हेयर मास्टर। तो मैं वहीं पे जाने की आज ट्राई करूँगी और मैं आई ट्राई कि आज ही हो जाए स्मूथनिंग, और पहले वो मेरे बालों का टेक्सचर वगैरह चेक करेंगे एंड लेटर ऑन दे सी कि व्हाट इज सूटेबल फॉर माय हेयर, व्हाट इज लाइक और मुझे क्या कराना चाहिए और मेरी लेंथ एंड व्हाट एवर द शिट इज। और मैंने यार शादी के टाइम में ना इतने सारे वो हीट एंड ऑल प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं बाल वाले, तो मेरे बाल बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रीजी 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 हो गए हैं तब से। और मैंने बीच में केराटिन ट्रीटमेंट भी लिया था टू बी वेरी ऑनेस्ट अराउंड जनवरी, और वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था क्लाउड 9 से और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो। लाइक मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, कितने लोगों ने केराटिन कराया है और मे बी बिकॉज ऑफ द सैलून, बट मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया केराटिन ट्रीटमेंट करा के। दे प्रोमिस बी फॉर 45 वॉशेज बट इट वॉज फॉर फेयरली, बट वो नहीं था 45 वॉशेस का लास्ट लॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस अभी हम यहाँ फंसे हुए हैं जैम में। तो हाँ, केराटिन ट्रीटमेंट में वो करते क्या है, केराटिन ट्रीटमेंट में वो आपके बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं सो दैट इट फील स्मूथ इफ योर हेयर इज फ्रीजी और कर्ल और वट एवर। और स्मूथ होंगे तो नेचुरल सी बात है आपको बिल्कुल स्ट्रेट फील होंगे वो, और मेरे बाल स्ट्रेट होने वाले हैं वेरी सुन। अब ये बहुत ज्यादा फ्रीजी वेवी है ऐसे ना, बहुत ज्यादा रफ भी है और मेरे बालों का टेक्सचर ही यही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मतलब इतने स्ट्रेट भी नहीं है ये क्योंकि मैंने पहले भी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट लिया है। और ये ना कर्ल है मेरे बाल बिल्कुल, और बचपन में तो बहुत ही ज्यादा कर्ल थे, अब तो फिर भी सही हो गया। 2000 years later. भैया ने बताया है कि स्मूथनिंग नहीं कह रहा, स्मूथ एंड ऑल ऑफ दैट चलेगा, तो अपन करा रहे हैं वही। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। और अभी भैया करने लगे हैं मेरा हेयर वॉश। कुछ कहना चाहोगे भैया आप? कैसा लगा आपको हेयर मास्टर आके? अभी तो हुआ नहीं है। सैलून कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। भैया ने स्मूथनिंग स्टार्ट कर दी है। भैया व्हाट्स योर नेम? शुभम। और आपका भैया? साहिल। शुभम और साहिल भैया ने, एसएस भैया ने मेरी स्मूथनिंग स्टार्ट कर दी है। और लेट्स सी कैसे करते हैं भैया। भैया लगा रहे हैं पता नहीं कौन सा लिक्विड। भैया कौन सा लिक्विड है ये, क्या होता है? केराटिन ट्रीटमेंट। ओके, ये केराटिन ट्रीटमेंट है। कौन सी कंपनी, क्या होता है? जीके। ओके, जीके।
नॉट ग्रेटर कैलाश नॉट जनरल नॉलेज. जीके की फुल फॉर्म क्या है भैया? ग्लोबल कैरेक्टर. ओके ग्लोबल कैरेक्टर फॉर माय ओन जीके. और ये आई एम हैविंग माय कॉफी. इट्स अ वेरी नाइस कॉफी. और ये भैया ने मुझे दे दिया एक मास्क लगाने के लिए. क्यों देते हैं भैया मास्क? क्या भैया कह रहे हैं इसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत हार्श होते हैं, तो ये मुंह पे लगाने के लिए और ये आंखों के लिए, बिकॉज ये ड्रायर में लगता है तो लगा के दिखाते हैं आपको. अरे भैया लेके आए मेरे लिए आईज में लगाने के लिए कॉटन पैड्स, बिकॉज ये लिटरली आँखों में बहुत ज़्यादा लग रहा है. Thousand years later. और ये भैया का सीरम हो चुका है खत्म. ये चेक कर रहे हैं बार बार. भैया का सीरम ही खत्म हो गया. भैया दूसरे भैया को भेजा, कह रहे पानी मिला के ले आए इसमें. नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारे सीरम हैं, बहुत ही ज्यादा. पर दिया आपने उसी में सर? मुझे 3 दिन 2 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा चंपू बन के. और ये भैया आ गए हैं, छुप रहे हैं भैया शूट से, पता नहीं क्यों, पर शूट ही करते हैं फिर भी. ये भैया आ गए हैं शूट करने. छोटी सी, छोटी सी क्लिप ले लो. भाई मेरी स्मूदनिंग तो हो गई है, नॉट स्मूदनिंग, इट्स केरा स्मूदनिंग. और बस अब मैं आ गई हूँ, मुझे परसों आना है. और जब मैं बाहर आई इतनी अच्छी बारिश हो रही है यार, लाइक आई कैन नॉट टेल यू. बारिश देख रहे हो गाइस आप? लुक एट दिस बारिश मैन, आई लव बारिश. अब चलते हैं घर. सीट बेल्ट फर्स्ट.
very much in my vlogs after me and my husband Sada Gantagar. Hello people. तो आज है मेरी स्मूथनिंग का डे 3. अब उन्होंने प्रोडक्ट लगा के छोड़ दिया था उस दिन और अब वो इसको वॉश करेंगे. And that's it. अभी चपटे 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 दो तीन दिन से हो रखे हैं. मुझे सोना भी ऐसे पड़ा है, लिटरली बाल अपने पीछे गिरा के. तो चलते हैं. बारिश हो रही है धमाकेदार. ले गए मुझे वॉश के लिए. चेयर भी बहुत ज़्यादा आरामदायक है बाय द वे. इट्स वेरी कंफर्टेबल लाइक वेरी. और भैया ने वॉश कर दिया. भैया ने बहुत अच्छी मसाज दी थी. यहाँ पे कोई भी आए तो प्लीज भैया से मसाज लेके जाओ. बस जाओ. Guys, finally done with my smoothing and I'm going home. बारिश हो रही है कल शाम से ही. And I'm feeling good. Thank you. Only Essilor expert in Uttarakhand. Chalo, let's go. Bye. If you like my vlogs, please like, share, subscribe, spread love, be with love and with love. Thank you.